मौजूद हैं बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष श्री कैलाश जैन जी। कैलाश जैन जी, कांवड़िए आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ हरिद्वार से जल लेकर। कांवड़िए यहाँ दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में जगह जगह स्वागत किया जाता है, तो इस बार आपका कैंप और आपका जो कार्यकर्ता स्वागत की कैसी किस तरह से कैसी तैयारी चल रही है? जो गंगा जल लेकर के हरिद्वार से या हरिद्वार के ऊपर से जो लाते हैं तो बहुत अटूट श्रद्धा होती है। बहुत कष्ट झेलने के बाद वो अपने स्तंभ पर पहुंचते हैं, जो मन में उनकी श्रद्धा होती है कि वहाँ जल चढ़ाना है शंकर भगवान को, तो वो जल चढ़ाते हैं और इससे एकता और अखंडता का भी मिसाल कायम होती है और भाईचारे की भी एक मिसाल, बहुत अभूतपूर्व मिसाल कायम रहती है। सब पूछी जाए तो जितने भी त्यौहार होते हैं वो कहीं ना कहीं भाईचारे को दर्शाने का काम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि भगवान ने बहुत बड़ी एक बात इसमें करी है, एक मैसेज दिया है कि यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं होती, सबको एक समान रखा गया है। जो लोग कांवड़ लेकर के आते हैं उनके यहाँ किस जाति का कांवड़िया है ये कहीं नहीं लिखा होता, कि चाहे उस एससी से बिलोंग करता है, चाहे ओएसटी से करे, चाहे अपर कास्ट से करे, वो कांवड़िया ही होता है और उसका सम्मान बराबर होता है। मैं तो समझता हूँ भोले बाबा ने ये बड़ी असीम कृपा सब लोगों पर की है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा। किसी भी जाति से जो बिलोंग करता है, कांवड़ लेके आता है, उसके बाकायदा कोई जो है अपर कास्ट का हो, चाहे वो एससी कास्ट का बिलोंग करता है, चाहे जो मर्जी हो, वो हर व्यक्ति की बराबर की इज्जत है। वही खाना पीना रहना सहना पैर दबाने का काम हर व्यक्ति करता है। ये भगवान ने बहुत अच्छी कृपा की है हम सब लोगों पे कि यहाँ जातिवाद। जैन साहब, कल जो है सद्भावना कांवड़ कैंप का, कल सद्भावना कांवड़ कैंप का जाफराबाद में उद्घाटन हुआ और श्रीमती शीला दीक्षित हर साल उस कैंप का उद्घाटन करती थी। उनकी कमी खली है, लोग कार्यकर्ता गमगीन थे क्योंकि भगवान की ऐसी मर्जी थी कि शीला जी को भगवान ने बुला लिया। और लेकिन कल एक अद्भुत नज़ारा हिंदू मुस्लिम एकता का एक बार फिर देखने को मिला, तो दिल्ली वालों ने ये एक बहुत ही सद्भावना की मिसाल को कायम किया है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये कांवड़ सेवा आज से 25 साल से हमारे भाई मंदिर अहमद जी लगवाते हैं, और जो ये कांवड़ सेवा कैंप लगता है सद्भावना सेवा के नाम से, मैं समझता हूँ कि इसकी चाहे वो सीलमपुर में जरूर लग रही हो, इसी तरह हसन भाई भी लगवाते हैं मेन वजीराबाद रोड पर की, जो कांवड़ लेके जाता है कम से कम उसके दिल में ये जरूर बात जगती होगी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है। चाहे कांवड़िए हो सकते हैं, हिंदू समाज से बिलोंग करते हों, सनातन धर्म से करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सेवा का काम करने का जो मुस्लिम भाई काम करते हैं, उनकी मदद करने का मुस्लिम भाई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कांवड़िए और जो लोग हिंदू तबके से होते हैं वो कहीं कहीं मन के उनके ये होती है कि हम भी क्यों ना ही मुस्लिम जो त्यौहार होते हैं उनको मनाने का काम करें। ये भाईचारे की एक प्रतीक है। हम सब लोगों का ये दायित्व धर्म बनता है कि हम सब लोग एक दूसरे को त्यौहारों को मनाने का काम किए। इससे हमारी भाईचारा तो प्रगाढ़ रूप में होगा ही होगा, लेकिन कहीं कहीं देश की एकता अखंडता और देश के विकास में भी इसका फायदा होता है। आप दिल्ली वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस मौके पर सभी दिल्ली वासियों को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जितने भी कांवड़िए हैं उनमें आस्था रखें और उनको एक नज़र से देखते हुए उनकी सेवा काम का काम करने का काम करें। और सभी कांवड़ियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और साथ के साथ निवेदन भी करना चाहता हूँ कि भाईचारे की मिसाल को बढ़ाते हुए और बहुत ही आपसदारी में एकता रखते हुए वो अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहे, और जो आस्था है भगवान से निवेदन करते हैं कि उनकी आस्था वो पूर्ण करें और वो जो सोची हुई बात है जो उनकी उनकी पूर्ति करने का काम करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप